हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फिजिक्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है। आंसर है त्वरण के साथ नीचे। जब वह एक समान त्वरण के साथ नीचे जाती हुई होती है, तब लिफ्ट में जो व्यक्ति रहता है उसको अपना भार जो है वह एक्चुअल वेट से कम अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार क्या होता है? ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। क्या होता है? जो ध्रुव रहते हैं वहां पर किसी भी पिंड का भार जो है वह क्या होता है? सबसे अधिक होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है वह है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? आंसर है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण जो है वह कम होता है। तो बर्फ में घर्षण कम होता है, जिसके कारण हमारे पैर जो है वह फिसलने लगते हैं, इसलिए हम बर्फ में अच्छे से नहीं चल सकते। और सड़क में पर्याप्त घर्षण बल रहता है, जिसके कारण हम आसानी से सड़कों पर चल सकते हैं। यानी कि जहाँ पे चिकनी सतह रहेगी वहां पर हम लोग अच्छे से नहीं चल पाएंगे, और जहाँ पर खुरदरी सतह होगी और तो वहां पर घर्षण अधिक होने के कारण हम अच्छे से चल सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम होता है। अब देखिए, प्रेशर का फॉर्मूला होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। अगर प्रेशर ज्यादा लगेगा तो एरिया कम होगा, और अगर हम लोग एरिया को ही ज्यादा कर देंगे तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। इसलिए हम एरिया को बढ़ाने के लिए लेट जाते हैं, क्योंकि जब हम खड़े होते हैं उस समय एरिया कम होती है, हमारा सिर्फ पैर ही रहता है, जिसके कारण आसानी से दलदल में इंसान फंस सकता है। और यदि इंसान दलदल एरिया में लेट जाए तो वहां पर एरिया अधिक होने लगेगा, जिसके कारण वहां पर जो है वह दाब कम होगा और वह नीचे जल्दी नहीं धंसेगा। इसलिए यही सलाह दी जाती है कि आप अगर दलदल में फंस रहे हैं तो लेट जाएं। तो हमने इसका रिलेशन भी समझ लिया कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया होता है। एरिया और प्रेशर जो है वह एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, ठीक है? अब जैसे कि ये एक सतह है, इस पर यदि यहाँ से क्रिया बल लगेगा तो ऊपर से क्या होगा? प्रतिक्रिया बल लगेगा। तो वह क्या? भिन्न भिन्न वस्तुओं पर नहीं लगे होने चाहिए, ठीक है? अपोजिट रिएक्शन लगता है वर्क के। नेक्स्ट है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्यों? आंसर है, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार जो है वह परिवर्तनशील रहता है। किसी भी वस्तु का भार जो है वह परिवर्तनशील रहता है, लेकिन जो द्रव्यमान रहते हैं वह हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, हर जगह पर द्रव्यमान वही रहेगा, ठीक है? जैसे कि वेट जो होता है, वेट को हम लोग W से डिनोट करते हैं, तो W इक्वल टू ma। एक्सेलरेशन पर ये डिपेंड करता है, इसलिए ये क्या होता है? चेंज होता है वेट, लेकिन जो द्रव्यमान होता है वह हर जगह ही कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या होती है? आंसर है, स्थितिज ऊर्जा। दो तरीके की ऊर्जा होती है, एक तो होता है गतिज ऊर्जा और एक होती है स्थितिज ऊर्जा। जहां पर गति होती है वहां पर गतिज ऊर्जा होती है, और जहां पर ऊंचाई के साथ हाइट के साथ होता है वहां पर स्थितिज ऊर्जा होती है। यानी गतिज ऊर्जा गति पर डिपेंड करता है, स्पीड पर डिपेंड करता है कि कितनी गति के कारण कितनी ऊर्जा जो है वह बन रही है, और स्थितिज ऊर्जा अपनी ऊंचाई पर निर्भर करता है। जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी स्थितिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। जैसे गतिज ऊर्जा की जो परिभाषा, जो फॉर्मूला होता है, 1/2 mv² होता है, लेकिन जो स्थितिज ऊर्जा रहती है उसकी जो फॉर्मूला होती है वह होती है mgh। h ऊंचाई पर डिपेंड करता है स्थितिज ऊर्जा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव होता है? आंसर है तृतीय नियम। न्यूटन की गति का तीसरे नियम के कारण ही जल पर तैरना जो है उतना संभव होता है, क्योंकि यहाँ पर न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है, क्रिया और प्रतिक्रिया का। जैसे हम जल पर तैरते हैं तो हम जल पर बल लगाते हैं और जल हम पर बल लगाती है, तो इस प्रकार क्रिया और प्रतिक्रिया का बल लगता है जो कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, और इसी नियम के कारण हम जो है वह जल पर तैर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? आंसर है कक्षा में त्वरण में बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। कक्षा में त्वरण जो होता है वह बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका जो त्वरण है वह बराबर होता है, इसलिए अंतरिक्ष यान में क्या होता है, भारहीनता का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 90 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ देखते हैं, जैसे कि ये है, तो आयतन का ग्राफ इस तरीके से बनता है। यहाँ पर टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री सेल्सियस हम लोग है मान लेते हैं, और यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस, तो क्या करेंगे, 90 से हम लोग 30 आएंगे, तो यहाँ से मैं नीचे आऊंगी तो क्या होगा, कम हो रहा है, फिर यहाँ पर जी यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर ऊपर, ठीक है। तो क्या हुआ, 90 से 30 तक जाने के पहले आयतन मेरा कम होने लगा, घटा, उसके बाद मैं यहाँ गई तो ऊपर बढ़ा, तो क्या हो जाएगा, 90 से 30 के बीच में मेरा आयतन पहले घटा फिर बढ़ा, तो वही चीज यहाँ पर लिखा है, देखिए पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, तो समझ में आ गई। और अगर हमको ये पूछता कि 30 डिग्री से 90 डिग्री जाने पर क्या होता, तो उस समय मैं क्या करती, नीचे आती फिर यहाँ से ऊपर, तो उस कंडीशन में भी यही होता है, 30 डिग्री से 90 डिग्री से कंडीशन में भी वही होगा कि पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो ये जो है ग्राफ याद रखेंगे, उसके बाद जो भी टेम्परेचर दिया रहेगा उसके हिसाब से हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो दाब है वह किसके बराबर होता है? वह 0.1 बार के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सरल लोला की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? तो वह लेंथ पर डिपेंड करता है, सरल लोलक की जो आवर्तकाल होती है टी इक्वल टू जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट टी के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या बोल रहा है, एल के यहाँ एल है यहाँ टी है, तो एल को 4% बढ़ा देंगे तो क्या होगा, 2% आवर्तकाल जो है वह बढ़ जाएगा। जैसे हम लोग अगर पूरा फॉर्मूला देखें तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो जो आवर्तकाल है और लंबाई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर मैं 4% बढ़ाऊंगी तो यहाँ पर 4 रख दी तो ये बाहर आई के 2 हो जाएगा, तो 2% तक इसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो फॉर्मूला याद रखेंगे, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? आंसर है इसमें कौन सा नियम लागू होगा, गति का पहला नियम। गति का पहला नियम को हम जड़त्व का नियम ही बोलते हैं या गैलीलियो का नियम बोलते हैं। ये क्या होता है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है। यही क्या है, जड़त्व का नियम है, जिसको न्यूटन की गति का पहला नियम भी बोला जाता है। तो यदि कोई कालीन है और उसको हम लोग अगर क्षण से पीट रहे हैं तो देखिए धूल तो वहीं रहेगी, लेकिन हम क्षण से पीटेंगे तो जो कालीन है वो मूवमेंट करेगा, तो कालीन मूवमेंट करने के कारण जो जो धूल के कण हैं वह अपने ही स्थान पर ही रहेंगे, लेकिन कालीन मूवमेंट करेगा तो इसलिए धूल जो है वह उससे झड़ जाते हैं, क्योंकि तो वह अपने स्थान पर ही है, और उसको कालीन अगर इधर उधर होगी तो वह अपने जो है
कण, धूल के कण तो मूवमेंट नहीं होंगे कालिन के साथ, इसलिए धूल के कण जो है वह गिर जाते हैं। ठीक है, तो यही एग्जाम्पल याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? आंसर है 1/6। जैसे यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का त्वरण है जी, ठीक है, अगर हम लोग वहीं चंद्रमा पर पहुंच जाएंगे तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, 1/6, 1/6 भाग हो जाता है वहां पर। नेक्स्ट है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दिया जाए तो लोलक के झूलने का समय कितना होगा? इसको तो हमने अभी ही देखा है, तो जब लंबाई 4 गुना होती है तो आवर्तकाल कितना होता है, 2 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो आर्किमिडीज कहाँ से थे, ग्रीस के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? आसंजक बल का अभाव, आसंजक बल का अभाव। ठीक है, दो बल होते हैं, एक तो होता है ससंजक बल और दूसरा होता है आसंजक बल। तो ससंजक बल क्या होते हैं, आपस में चिपकते हैं, लेकिन आसंजक बल जो आपस में नहीं चिपकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऊंचाई भू-स्थिर उपग्रहों की है? तो वह है 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई को भू-स्थिर उपग्रह के लिए माना जाता है। नेक्स्ट है, एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो उसको कहाँ से प्राप्त होता है? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसको अपकेंद्र बल मिलता है, और इसी के कारण भू उपग्रह जो होते हैं अपनी अपनी कक्षा में गति कर पाते हैं। नेक्स्ट है, तुल्यकालिक उपग्रह घूमता है पृथ्वी के कहाँ, पश्चिम से पूर्व की ओर। जो भी उपग्रह होते हैं वह किस दिशा में घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूसेक जो इकाई होती है उसको हम लोग किसका नापने के लिए कहते हैं? जो भी जल का बहाव होता है वह किस रफ्तार से जल बह रही है उसको मापने के लिए हम लोग क्यूसेक का उपयोग करते हैं। जो पहिया होता है, वाहन होता है, उसमें बॉल बियरिंग लगा हुआ होता है, तो उस बॉल बियरिंग का कार्य क्या होता है, उसका काम क्या होता है, वह क्या करता है, स्थैतिक घर्षण को गतिक घर्षण में बदल देता है। जो स्थैतिक मतलब जो स्थिर है उसको गति में बदलने के लिए बॉल बियरिंग लगा हुआ होता है गाड़ियों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा? आंसर है, नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है, तो उसको अपनी भार के बराबर ही पानी जो है वह विस्थापित करना होगा, तभी वह तैर सकेगी। नेक्स्ट है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह जो है न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। ठीक है, और यह भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? आंसर है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है। अब दो बर्फ को आपस में हम लोग रगड़ेंगे तो क्या होगा कि उसको रगड़ने से वहां पर क्या होगा, दाब बनने लगेगा, और दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटेगा, और दाब अधिक होगा तो बर्फ थोड़ी सी पिघल जाएगी और वो आपस में क्या होंगे, चिपक जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? आंसर है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। अब देखिए, जब गर्मियां होती है तो उस समय जो उसमें लोलक लगा हुआ होता है उसकी लंबाई जो है वह बढ़ जाती है, और लंबाई बढ़ जाने के कारण उसको दोलन करने में क्या लगता है, ज्यादा समय लगता है, इसलिए उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि गर्मी के दिनों में जो दिन होती है वह बड़ी होती है, और यही
ठंडे के दिनों में सर्दियों के समय में लोला की जो लंबाई होती है वह सिकुड़ जाती है, जिससे वह छोटी होने के कारण बहुत जल्दी जल्दी अपना दोलन लगा लेती है, जिसके कारण वहां पर आवर्तकाल कम हो जाता है क्योंकि वह जल्दी चक्कर लगाती है। इसलिए हम कहते हैं कि सर्दियों में दिन छोटा होता है, तो उसका कारण यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान और संवेग में क्या रिलेशन होता है? p स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, यह गतिज ऊर्जा है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट है, लोलक की आवर्तकाल किस पर निर्भर करती है? तो हमने अभी देखा है लंबाई के ऊपर। यदि लोलक की लंबाई ज्यादा होगी तो उसका आवर्तकाल भी ज्यादा होगा, और उसकी लंबाई कम होगी तो उसका आवर्तकाल भी कम होगा। तो वह लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है उसका आवर्तकाल। दूसरा क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो हमने देखा कि यह नियम कौन सा होता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम या फिर जड़त्व का नियम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि, उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि पेंडुलम का जो लंबाई होगी वह वहां पर बढ़ जाएगी चंद्रमा पर, और समय अवधि भी बढ़ जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ लैम्पर्ट नियम किससे संबंधित है? आंसर है प्रतिदीप्ति। लैम्पर्ट का जो नियम है वह किससे संबंधित है? प्रतिदीप्ति से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है, एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है, उस बुलबुले से गुजरी हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है? तो वह अपसाली लेंस या अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन पूछता है कि पानी में जो हवा का बुलबुला रहता है वह किस तरह व्यवहार करता है? तो वह भी अवतल लेंस की तरह ही व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो आंसर है 7। यदि हम जो सूर्य की किरण है उसको देखिए, जो सूर्य की किरण है उसको मैं एक प्रिज्म से गुजारूंगी तो ये सूर्य की किरण है, तो वह 7 रंग में विभक्त हो जाएगी। ठीक है, जिसको कि हम लोग वाइपग्योर से याद रखते हैं, जिसमें जो आर होती है उसकी एंगल कम होती है, मतलब उसमें विचलन कम रहता है, और जो बैंगनी है उसमें विचलन अधिक होता है। रेड कलर की जो तरंग दैर्ध्य रहती है सबसे अधिक होती है, और बैंगनी की जो तरंग दैर्ध्य रहती है वह कम होती है। ठीक है, लेकिन बैंगनी में जो विक्षेपण होता है वह सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं। हाँ, हमने तो अभी देखा है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, और उसको हम लोग प्रिज्म से गुजारते हैं तो हमें दिख जाता है कि वो 7 कलर कौन कौन से होते हैं, जिसको कि हम लोग वाइपग्योर से याद रखते हैं। तो इन रंगों को अलग करने का जो तरीका है वह क्या है, पूछ रहा है। तो इसको तरीका है हम लोगों को फिल्टर से रंगों को अलग किया जा सकता है। फिल्टर के रूप में हमने प्रिज्म को उपयोग किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गाड़ी के अग्रद्वीप से प्रकाश का शक्तिशाली समांतर पुंज पाने के लिए क्या उपयोग लाना चाहिए? तो सामने जो हेडलाइट्स लगी हुई होती हैं उसके ऊपर जो दर्पण लगी हुई होती है वह कौन से दर्पण होती है? वह अवतल दर्पण होती है, जो सामने में हेडलाइट्स लगे हुए होते हैं। और जो गाड़ी में साइड की मिरर होती है जिसमें हम पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है या कितनी भीड़ है उसको देखते हैं, जो बगल में लगी हुई होती है वह कौन सा दर्पण होता है? वह उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आंख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है कोई भी वस्तु का, जैसे हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं तो हम लोगों के जो आँख में उसका इमेज बनता है वह कैसा बनता है? वह वास्तविक होता है लेकिन उल्टा होता है। जैसे मैं कोई पेन देखूंगी तो वह मेरे आँख में उसका जो इमेज बनेगा वह वास्तविक तो होगा कि हाँ यह पेन है, लेकिन वह मेरे आँख में जो इमेज बनाएगी वह उल्टा बनाएगी।
और ये इमेज माइंड में जाता है, और वहाँ पर माइंड क्या करती है, उस इमेज को सीधा करती है और हमको पेन जैसा है वैसा फिर दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो समझ में आ गई कि हमारी आंख में जो भी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वह क्या होगा, वास्तविक होगा लेकिन उल्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, मतलब वायुमंडल में जो प्रकाश है उसका जो विसरण होता है उसका कारण क्या है, तो उसका कारण है धूल के कण। वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण ही प्रकाश के बिखराव या विसरण का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्यों। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है क्योंकि वह सबसे ऊपर रहता है, कम कोण बनता है। ठीक है, और इस जो खतरे के लिए जो हम लोग लाल प्रकाश का उपयोग करते हैं उसकी तरंगदैर्ध्य भी अधिक होती है और प्रकीर्णन कम होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है वह है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है। इस तरीके से हमने प्रकाश प्रिज्म लिया था और ये प्रकाश आई थी और ये जो फैला था ये प्रकाश 7 रंगों में, यह क्या कहलाता है, ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसका विक्षेपण होना ही या फिर अलग अलग करना ही विक्षेपण कहलाता है, तो इसको वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, रंगों को अलग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। आंसर है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। जैसे कोई व्यक्ति है 6 फीट का, ठीक, कोई व्यक्ति है 6 फीट का और उसको अपने आप को पूरा देखना है मिरर में, तो उसको कितने हाइट की मिरर लेनी चाहिए, उसको 3 फीट की हाइट की मिरर लेनी चाहिए, तभी वो अपने आप को पूरा देख पाएगा। तो जितनी व्यक्ति की ऊंचाई होगी उससे आधी ऊंचाई की उसको मिरर लेने की आवश्यकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। आंसर है बैंगनी। हमने अभी देखा था कि जो बैंगनी रंग का होता है उसका विक्षेपण सबसे अधिक होता है। जैसे कोई प्रिज्म है तो सबसे ऊपर जो रहता है कलर वो क्या होता है, रेड होता है, और सबसे नीचे जो होता है वह रहता है बैंगनी, तो इसी का विक्षेपण जो है वह अधिक होता है, और लाल का विक्षेपण कम रहता है क्योंकि बैंगनी जो दूर है इसलिए अधिक एंगल बनाता है और लाल जो रहता है कम होता है इसलिए कम विक्षेपण होता है, कम एंगल बनाता है। ठीक, और बैंगनी की जो तरंग दैर्ध्य रहती है वह भी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ऐना के लेंस का पावर +2 डॉप्टर है तो इसके फोकस की जो दूरी होगी वह क्या होगी, तो इसका फॉर्मूला होता है जैप्टर इक्वल टू 1/f, f फोकस दूरी है और ये जो ऊपर में है वहां पर होगा मीटर, 1 मीटर डिवाइड बाय f। तो हम लोगों को यहाँ पर 50 सेंटीमीटर आंसर दिया, डायोप्टर कितना है 2 है। ठीक, तो डायोप्टर में 2 ले ली और ऊपर मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में रखेंगे क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और यहाँ पर है एफ, एफ इधर जाएगा और 2 से ये कटेगा 50 टाइम्स, तो 50 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो फार्मूला याद रखेंगे डायोप्टर इक्वल टू 1/f और ऊपर में मीटर रहेगा। ठीक, अगर फोकस दूरी मीटर में दिया है तो मीटर में रखेंगे और सेंटीमीटर है तो इस मीटर को भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देगा। तो चंद्रमा की सतह पर आकाश एक व्यक्ति को कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह काम करता है। तो जो फोटोग्राफिक कैमरा होता है उसका जो फिल्म होता है वह हमारी आंख की रेटिना की तरह ही व्यवहार करता है। और एक क्वेश्चन होता है, जैसे हमारी आंख की कलर होती है, किसी की आंख ब्लैक कलर की होती है, किसी की भूरी हुई होती है और किसी की थोड़ी ग्रीन होती, ब्राउन होती है, या ग्रीन भी होती है किसी किसी की, तो वह आंखों का जो कलर होता है वह कौन डिसाइड करता है। तो हमारी आंखों का जो कलर होता है उसको आयरिस डिसाइड करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? तो हम कौन सी दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे कोई भी कार रहती है, उसकी साइड में मिरर लगी हुई होती है, वह उत्तल दर्पण की लगी हुई होती है, जिसे हम पीछे के यातायात को देखने के लिए उपयोग में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो वह क्या दिखाई देता है? हरा कलर का दिखाई देता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म किया जाए तो वह हरा कलर दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए काम में कौन सा लेंस हम लोग उपयोग करते हैं? तो दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग करते हैं, और दूर दृष्टि दोष को हम हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से निकट दृष्टि दोष होता है, उसको मायोपिया बोला जाता है, और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो चश्मा उपयोग में किया जाता है वह अवतल लेंस का बना हुआ होता है। अब यहाँ पर है दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति जो होता है वह पास की वस्तु को नहीं देख पाता, लेकिन दूर की वस्तु को देख पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? तो वह उसके तरंग दैर्ध्य के द्वारा। उसमें तरंग दैर्ध्य के द्वारा हम माप सकते हैं कि प्रकाश का रंग कौन सा रंग कहा। लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वह सबसे सबसे अधिक होती है, और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य होती है वह सबसे कम होती है। तो कोई भी प्रकाश को हम लोग उसके तरंग दैर्ध्य से मापते हैं। नेक्स्ट देखो, वही क्वेश्चन पूछ लिया कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा होता है, तो हमने देख लिया है कि ये बैंगनी होता है, और सबसे अधिक पूछेगा तो हम रेड लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को आपस में समान अनुपात में मिलाते हैं तो रंग कैसा दिखाई पड़ेगा? तो हमने एक इमेज देखा था, जैसे ये हो गया, तो यहाँ पर क्या होता है, रेड होता है, यहाँ ग्रीन होता है, यहाँ पर ब्लू होता है। तो इन ग्रीन, रेड और ब्लू, इन तीनों को ही समान अनुपात में मिला दें तो यहाँ पर कौन सा कलर बनता है? व्हाइट कलर बनता है। यहाँ पर होता है येलो, यहाँ पर होता है मैजेंटा, और यहाँ पर बनता है पिकॉक ब्लू। तो इनको भी आपस में मिला देंगे तो ये भी क्या बनाएंगे? व्हाइट कलर बनाएंगे। तो ये सब याद रखना है। नेक्स्ट है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में जो लेंस उपयोग करते हैं वह कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्यों? क्योंकि ये चमकदार रोशनी देते हैं, और जब पानी गिरती है तो यह विक्षेपित भी नहीं होते हैं, इसलिए सोडियम वाष्प लैंप जो होती है उसको प्रयोग किया जाता है सड़कों के किनारे। नेक्स्ट है, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होते हैं? वह वास्तव में उत्तल लेंस के होते हैं, आवर्धक लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देता है? आंसर है काले कलर का। जैसे कि हम चंद्रमा पर होते हैं तब हमें आकाश कैसे दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे बोल रहा है, यदि वायुमंडल ही उपस्थित नहीं होगा तो पृथ्वी से जो आकाश का करण होगा वह क्या दिखाई देगा? काला दिखाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पर अभी वायुमंडल है, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों? देखते हैं हम, समुद्र का पानी हमें नीला दिखाई देता है तो किसके कारण? आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश भी नीला है तो उसका प्रतिबिंब उसमें बनता है, और जो वहां पर जल के कण होते हैं उनके द्वारा भी प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, वह नीले रंग को अवशोषित कर लेते हैं और बाकी कलर को क्या करते हैं? परावर्तित कर देते हैं। तो इसी तरीके से समुद्र का जो पानी होता है वह हमें नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? तो यह क्या होता है? यह भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। जैसे पानी भरी हुई बर्तन में मैं अगर कोई क्षण लग दूं तो वह क्या होगी? थोड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होगी। यह भी अपवर्तन का कारण है।
यदि मछली पानी में तैर रही है तो वो वास्तविक गहराई से, मगर वो वास्तव में तो ऊपर होती है लेकिन हमें थोड़ी नीचे दिखाई पड़ती है, तो वह भी अपवर्तन का कारण है। सिक्का रख दें तो वह भी उठा हुआ प्रतीत होता है, तो वह भी अपवर्तन का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन के E=MC समीकरण में जो सी है वह क्या दर्शाता है? तो वह प्रकाश का वेग को दर्शाता है। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3×10^8 ms होता है प्रकाश की गति। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में जो मुख्य कलर होते हैं वह कौन से होते हैं? जो बेसिक कलर होते हैं, प्राइमरी कलर होते हैं, वह होता है रेड, ब्लू और ग्रीन। तो हम भी यहाँ पर जब प्रिज्म बनाते हैं तो लेते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू। जब ये आपस में मिल जाते हैं तो कौन सा कलर बनाते हैं? व्हाइट कलर। नेक्स्ट है, अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण से दिखाई देता है? तो यह भी प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। और जब सूर्य जो उगता है, अस्त होता है, तो थोड़ा सा लाल दिखाई देता है, वह भी प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन नंबर, जब कोई वस्तु दो समांतर दर्पणों के बीच रखी जाती है तो उस पर जो बने हुए प्रतिबिंब होगा वह क्या कितनी होगी? अनंत होगी। जैसे दो समतल दर्पण इस तरीके से रखा हुआ है और इसके बीच में वस्तु रखी हुई है, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वह क्या होगी? अनंत बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? आंसर है, असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस जो है इसमें लगे हुए होते हैं अपवर्तक दूरबीन में। दूसरा क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसकी इकाई होती है? तो ल्यूमेन को इकाई होती है ज्योति फ्लक्स की। ल्यूमेन मतलब होता है प्रकाश, ठीक है? तो ल्यूमेन किसकी इकाई होती है? ज्योति फ्लक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि देखिए, जो जिस कलर का होता है वह उस कलर को अवशोषित कर लेता है, इसीलिए उसका कलर जो है वह वही दिखाई देने लगता है। तो आकाश जो होता है नीले रंग को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण आकाश का रंग जो है वह नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग तृष्णा या फिर मृग मरीचिका किसके कारण बनता है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की जो गति होती है, स्पीड होती है लाइट की, वह कितनी होती है? 3×10^8 ms होती है। दूसरा जो क्वेश्चन है वह है अंतर्दर्शी, जिसको कि हम लोग एंडोस्कोप बोलते हैं। यह क्यों उपयोग में लाया जाता है या किस चीज के लिए? तो इसका उपयोग करते हैं आहार नाल के भीतर देखने के लिए। एक प्रयुक्त प्रकाशिक यंत्र है, पेट के भीतर हम लोग जांच करने के लिए एंडोस्कोप का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? आंसर है किरीट। जब सूर्य ग्रहण होता है तब उस समय हम लोग सूर्य के सिर्फ किरीट को ही देख पाते हैं। किरीट एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसको कि कोरोना या किरीट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब इसकी जो आवृत्ति होती है या फिर जो फ्रीक्वेंसी होती है वह क्या होती है? आवृत्ति जो है वह समान बनी हुई होती है, मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वह मीडियम चेंज करने पर चेंज नहीं होती है, ठीक? यह भी एक क्वेश्चन पूछता है बहुत बार कि जब मीडियम चेंज होता है तब आवृत्ति चेंज होती है या नहीं, तो वही पूछ रहा है कि आवृत्ति चेंज यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है, तदनुसार उसे निशाना जो है वह कैसे लगाना चाहिए? तो आंसर है, जहां मछली दिखाई दे उसके ऊपर, ठीक? क्योंकि ये अपवर्तन का सिद्धांत ये होता है कि जो जहां पे वस्तु दिख रही है वो एक्चुअल में वहां पर नहीं होती है, थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, ठीक है? इसलिए जहां पर मछली दिख रही है उसके थोड़ा ऊपर जो है निशाना लगाना चाहिए।
नेक्स्ट है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश की जो तरंगे होती है वह अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, लेकिन यहीं पर अगर ध्वनि तरंगे बोला होता तो ध्वनि तरंगे क्या होती है, अनुदैर्ध्य होती है। नेक्स्ट है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? आंसर है सेम रहती है। अगर किसी मीडियम का हम लोग टेम्परेचर चेंज कर दें तो उस समय जो प्रकाश की गति रहेगी वह सेम रहेगी, वह चेंज नहीं होगी, लेकिन वहां पर ध्वनि की गति जरूर चेंज होगी। तापमान में परिवर्तन करने से ध्वनि की गति में परिवर्तन होता है, लेकिन प्रकाश की गति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। याद रखेंगे, बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, यहाँ पर प्रकाश की गति तापमान पर कोई भी निर्भर नहीं करती है, लेकिन ध्वनि की गति जो है वह करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है तो वह किस दृष्टि से पीड़ित है? तो जो क्या होता है, अधिक दूरी को नहीं देख पाता, उसमें निकट दृष्टि दोष रहता है, और इस दोष को मायोपिया कहा जाता है, मायोपिया। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी कि मायोपिया अगर किसी को है तो उसको अवतल लेंस से बने हुए चश्मे का उपयोग करना चाहिए। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, व्यक्ति पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु को नहीं देख सकता, और दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट की वस्तु को नहीं देख सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दूरबीन, टेलीस्कोप, दूर की वस्तु को देखने वाला एक यंत्र है। ठीक है, अगर हमको दूर की वस्तु को देखना है तो हम टेलीस्कोप का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में प्रवेश करती है, यानी कि देखिए अब हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.4, कांच का 1.5, यानी अधिक अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक की ओर जब प्रकाश प्रवेश करती है तब वहां पर कौन सी घटना होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर हीरा और कांच दिया है, तो हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है तो वह हीरे से कांच में, यानी कि अधिक अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। वहीं पर मैं अगर एग्जाम्पल ले लूं कांच से हवा, तो यहां पर सोचिए क्या होगा, तो यहां पर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। क्यों? क्योंकि कांच की जो अपवर्तनांक होती है वो 1.5 होती है और हवा की 1.003, तो किसका हुआ, कांच का अपवर्तनांक ज्यादा हुआ, तो अधिक से कम अपवर्तनांक की ओर जाएंगे तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक, तो क्वेश्चन चेंज भी करेगा, तो अब हम तो समझ गए हैं कि अधिक अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक की ओर जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो क्वेश्चन चेंज होगा तब भी हम लगा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? आंसर है हाइगेंस। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, हाइगेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तो हमने ये देखा है, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग प्रकार की होती है, और जो ध्वनि तरंगें होती है वह अनुदैर्ध्य प्रकार की होती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? क्या वह तरंग के समान होती है, क्या वह कण के समान होती है? तो हम क्या आंसर देंगे, नहीं, प्रकाश जो होती है कण एवं तरंग दोनों के ही समान होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, अपवर्तन। जैसे हम लोग मछली को देखे थे कि मछली अगर जिस गहराई पर है तो उसके ऊपर हम लोग निशाना लगाएंगे, तो वही प्रकार यहाँ पर बोल रहे हैं कि तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा होता है,
यानी कि जो वास्तविक गहराई होती है वह थोड़ा ऊपर होता है और वो जो नीचे दिखाई देता है वह क्या होता है, हमारी आंखों का धोखा होता है, वह अपवर्तन के कारण ऐसा थोड़ा नीचे दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पीले रंग का पूरक अंग क्या होता है? आंसर है नीला। इसका डायग्राम होता है इस तरीके से, समझते हैं हम लोग। यहाँ पर होता है रेड, यहाँ पर होता है ग्रीन और यहाँ होता है ब्लू। ठीक है, यहाँ पर होता है येलो, यहाँ होता है मैजेंटा, यहाँ होता है पीकॉक ब्लू। ठीक है, तो देखिए अभी हमको क्या पूछ रहा है, पीले रंग का पूरक, तो पीला रंग यहाँ पर हम लोग का येलो कलर है और इसी के सामने कौन सा है, ब्लू है, तो वो हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलती कि यहाँ पर देखो ग्रीन है, या ग्रीन का पूरक कौन सा होगा, मैजेंटा। ठीक है, यहाँ पर है पिकॉक नीला, तो पिकॉक नीले का के सामने कौन सा है, रेड, तो पिकॉक नीला का पूरा क्या हो जाएगा, रेड। ठीक, ये याद रखेंगे। एक बार और बता देती हूँ, यहाँ पर क्या होगा, रेड, यहाँ पर ग्रीन, यहाँ वहां पर क्या होगा, ब्लू, यहाँ क्या होगा, येलो। येलो और ब्लू आपस में अपोजिट होंगे और ये ग्रीन है, ग्रीन के सामने क्या होगा, मैजेंटा, और रेड के सामने क्या होगा, पीकॉक ब्लू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना है? तो यह 8 मिनट और 5 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड के आसपास में होता है, जब सूर्य की किरणें या प्रकाश जो है वह हमारी पृथ्वी पर तक पहुंचती है तब। नेक्स्ट है, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना क्या है? प्रकीर्णन। तो आकाश में किसके कारण होता है, प्रकीर्णन की घटना के कारण आकाश जो है वह नीला दिखाई देता है, वह नीले रंग को अवशोषित कर लेता है और बाकी रंग को परावर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में जो हवा का बुलबुला है वह वैसे ही काम करता है जैसे एक अवतल लेंस, तो पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है, एक अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज हैं? तो हम पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं वह समांतर होती है, ठीक है, पैरलर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों को धोते समय हम नीला का प्रयोग करते हैं उसकी सही वर्ण संयोजन के कारण। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा अपवर्तन, इसी के कारण जो है वह इंद्रधनुष बनता है। क्या दोपहर के समय इंद्रधनुष बनेगा? तो नहीं, दोपहर के समय ठीक 12 बजे सूर्य जो होता है हमारे शरीर के ऊपर रहता है, इसलिए इंद्रधनुष जो है उस समय नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में हम निकट की वस्तु को नहीं देख सकते और इस रोग को क्या कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि दोष अगर किसी व्यक्ति को है तो उसको उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस से बना हुआ चश्मा देना चाहिए, और जब मायोपिया होता है तो उस समय उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को नहीं देख सकता, और जब मायोपिया होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, तो उस रोग से पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस से बने हुए चश्मे को देना चाहिए। ठीक, दोनों समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी को नहीं देख पा रहा है, मतलब कम दूरी नहीं देख पा रहा है, तो उसको क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष होगा। ठीक है, और इसको कौन सा रोग बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, और कौन सा चश्मा लगाएगा, ये उत्तल लेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कहा जाता है, और निकट दृष्टि दोष से पीड़ित या मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा चश्मा देना है हमको? अवतल लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डिबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो यह भी क्या है, अपवर्तन के कारण है। जैसे हमने मछली का एग्जाम्पल देखा था, उसी तरीके से छड़ कभी अपनी मुड़ी हुई दिखाई देते हैं तो वह भी अपवर्तन के कारण है। यदि हम पानी में जब में सिक्का डाल देते हैं तो वह भी थोड़ी हमको ऊपर उठी हुई दिखाई देते हैं, वह भी अपवर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, अपवर्तन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क शैल कैसे होते हैं? तो जो शुष्क शैल होता है वह प्राथमिक शैल होता है। दूसरा क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं किसके? तो जो स्थायी चुंबक होते हैं, परमानेंट चुंबक होते हैं, वह किसके बनाए होते हैं? तो परमानेंट मैग्नेट जो होता है वह इस्पात के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था किसका? और स्टेट द्वारा किया गया था। विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है उसको सर्वप्रथम अरेस्टर द्वारा जो है अवलोकित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा पर जो नति कोण है उसकी मान कितनी होती है? 0 होती है, क्योंकि विषुवत रेखा जो होती है एक सीधी होती है, तो वहां पर नति कोण का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, एक स्वतंत्र चुंब रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव कौन सी दिशा में ठहरता है? तो जो अगर चुंबक है कोई, उसको तो स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाएगा तो हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा को इंगित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ का धारा नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। कोई भी लोहा है वह वायु और नमी की उपस्थिति में उस पर जंग लगने लगता है, और उसी जंग से बचाने के लिए लोहे के ऊपर क्या कर दी जाती है, जिंक की परत चढ़ा दी जाती है ताकि उस पर जंग ना लगे, तो उसको कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। और किसी भी लोहे पर जंग लगता है तो जंग लगने के बाद उसका वेट जो है वह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, एक्चुअल वेट से अधिक वेट का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विद्युत अचुंबकीय है? तो जो तांबा होते हैं विद्युत अचुंबकीय होते हैं, ऑक्सीजन जो होता है वह अनुचुंबकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबक के आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ पर होती है? तो दोनों किनारों पर होती है। जैसे कोई ये चुंबक है तो यहाँ पर हो गया नॉर्थ और यहाँ पर साउथ, तो सबसे अधिक जो होगी चुंबकीय आकर्षण वह नॉर्थ और साउथ में सबसे अधिक होगी, यानी कि दोनों किनारों पर, दोनों सिरों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो गॉस, गॉस जो होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है, लेकिन विषुवत पर क्या होता है, 0 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क शैल बैटरी में किनका विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है? तो शुष्क शैल प्राइमरी शैल होते हैं और इनमें विद्युत अपघट्यों के लिए अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? वह परिणामी ध्रुव कहलाता है। जैसे किसी चुंबक में हम दो ध्रुव जानते हैं, नॉर्थ और साउथ, अगर इसका तीसरा ध्रुव होगा तो वह उसका क्या होगा, परिणामी ध्रुव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। तीन तरीके की तार होती हैं, एक तो होता है लाइव होता है, और एक अर्थ न्यूट्रल के लिए होता है जिसको अर्थ में लगा दिए जाते हैं जहां से सप्लाई आती है वो।
नेक्स्ट है, एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर एक इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा प्राप्त करती है उसे कितना बोल देता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला जाता है। एक वोल्ट जितनी ऊर्जा प्राप्त करती है वह एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका जो प्रतिरोध है वह कितना हो जाएगा। R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, ठीक है, रो एल बाई ए होता है। और इसमें अगर ए का, ए क्या होता है, एरिया होता है, ए का एरिया होता है, और उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई हो जाएगा और रेडियस को मैं आधा करूँ तो रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड बाय टू होगा।